तो आगे फिर से एकदम नई फ्रेश वीडियो में। तो वही मैं बात करूँ तो आप में सब में से बहुत सारे लोग हैं जो स्क्रीन रिकॉर्ड तो करते होंगे, ठीक है, अपने फ़ोन के कहीं के भी। तो क्या आप स्क्रीन रिकॉर्ड को एकदम प्रो लेवल पे आप एडिट करना जानते हो? तो वही मैं बात करूँ, इस वीडियो में मैं आपको प्रो एडिट करना बताऊँगा। तो इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं, तो आप देख सकते हो मेरे विशाल कामदेव चैनल, इसको सब्सक्राइब करिए, यहाँ पे बटन दबाइए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी ऐसी ही वीडियो आपको देखने मिले। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं, आपके मोबाइल में काइंड मास्टर तो होगा, सबसे पहले अपना मोबाइल का काइंड मास्टर ओपन कर लो। तो मैं फटाफट ओपन कर लेता हूँ। अभी देख सकते हो मैंने काइंड मास्टर ओपन कर लिया, ठीक है। अब आपको सिंपल से यहाँ पे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा मीडिया, ठीक है, आप देख सकते हो मीडिया, ठीक है, इस पर आपको टैप करना है, ठीक है। जो भी आपने स्क्रीन रिकॉर्ड की है, जो भी रिकॉर्ड की है, वो आपको सिंपल से यहाँ पे ले लेना है मीडिया सेट। तो मैं फटाफट अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड ले लेता हूँ पहले, ठीक है। ठीक है, सिंपल से मैंने ये स्क्रीन रिकॉर्ड किया, आपने जो भी वीडियो बनाई किसी के ऊपर भी, वो सबसे पहले आपको ले लेना स्क्रीन रिकॉर्ड, ठीक है। इस पर आपको टैप करना है, टैप करने के बाद यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रीन दिखाई देगा, ठीक है, इसको आपको सिंपल सा बड़ा कर लेना है, ठीक है। तो मैं बड़ा कर लेता हूँ फटाफट, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो जितना भी आपको चाहिए इतना बड़ा आप कर लीजिए सिंपल से। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ पहले, ठीक है, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपने हिसाब से बड़ा कर लिया, जैसे भी आपको हिसाब लगाना है वैसे आप यहाँ पे बड़ा कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसको लेयर पे टैप करना है, यहाँ पे लेयर दिख रही है, इस पर टैप करिए। उसके बाद इफेक्ट्स आपको दिखाई दे रहा है, इफेक्ट्स पे टैप करिए। इफेक्ट्स पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल सा बेसिक इफेक्ट्स पे आपको जाना है। उसके बाद यहाँ पे ब्लरिंग का पहले ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको टैप कर लेना है, ठीक है। टैप करने के बाद इसे ले लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे बड़ा कर लेना है। तो जितना देख रहे हो आप यहाँ पे बड़ा कर लीजिए, और जितनी भी वीडियो में आपको देना पूरी वीडियो में आप दे दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो इसकी ब्लरिंग है कम से कम आपको 4 से 5 रखना है, यहाँ पे देख सकते हो 4 से 5, ठीक है। तो जैसे मैंने 4 अच्छा लग रहा है तो चलो 3 रख लेता हूँ, 3 अच्छा लग रहा है, जैसे भी आपको अच्छा लगा वैसे आप रखें, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और 5 बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद टिक पे कर दीजिए। अब मान लीजिए इसके बाद हो गई आपकी, अब उसके बाद आपने लेयर पर टैप करना है, ठीक है। उसके बाद मीडिया पे टैप करना है, ठीक है। जो भी वीडियो थी मैंने वो वीडियो ले ली, ठीक है, जो आपने पीछे दिए और वो आगे दिए यही वीडियो थी, ठीक है। उसके बाद आपको जितना रखना है उतना आप सिंपल सा यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है, इसे बड़ा करके बहुत इजीली आप बड़ा कर लोगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखते, उसके बाद आपका ये काम हो गया। उसके बाद अगर आपके पास कोई मोबाइल फ्रेम है, ठीक है, अगर मोबाइल फ्रेम है तो सिंपल सा आप यहाँ पे फ्रेम भी दे सकते हो बहुत अच्छा लगने के लिए वीडियो, तो जिससे आपकी प्रोफेशनल एडिटिंग लगेगी। अब देखो मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको कैसी लग रही है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे देख सकते हो ये प्ले हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये कैसे स्क्रॉल हो रहा है और कैसे एकदम प्रोफेशनल जैसी एडिटिंग लग रही है, जैसे भी हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे देखने में, आपको पता है, देख सकते हो आप खुद। और उसके बाद ये होने के बाद आपको सिंपल सा शेयर पे जाना है, और उसके बाद अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना, जैसे आप काइंड मास्टर में करते हो, और ऐसे करके आप प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हो और बहुत अच्छी आपकी प्रो, मतलब प्रो एकदम लगेगी लेवल पे, आप देख सकते हो, खुद ही देख सकते हो। मैं प्ले कर रहा हूँ तो वहाँ पे बहुत कमाल की आपको देखने को मिल रहा है, तो है ना कमाल। वीडियो पसंद है लाइक शेयर फॉलो कमेंट जरूर कर देना, ऐसी वीडियो देखेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं वीडियो साथ, कीप स्माइल कीप सपोर्ट।